के हवाले से फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 है पार्शियल फ्रैक्शंस, जिसके अंदर हम डिस्कवर करेंगे इन टॉपिक्स को, पार्शियल फ्रैक्शंस एंड इट्स टाइप्स, रेजोल्यूशन ऑफ रैशनल फ्रैक्शंस इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस केस 1 एंड 2, यानी जो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स के केसेस हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस क्या हैं या पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस क्या है। हम डिफाइन करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन दरअसल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम फ्रैक्शन को मोर सिंपलर पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं, यानी किसी पेरेंट फ्रैक्शन को सिंपलर पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस कहते हैं। अभी हम हमारे पास एक जो है वो एमसीक्यू है, एमसीक्यू से ही स्टार्ट करते हैं, जो कि ई कैट के अंदर आपको जिनसे वास्ता पड़ेगा। जैसे सबसे पहला है 4x = 5 इज ए और एन, ऑप्शन है जी आइडेंटिटी, फ्रैक्शन, इक्वेशन एंड कंडीशनल इक्वेशन, यानी मुख्तलिफ ऑप्शन है हमारे पास जो कि बिल्कुल बेसिक्स है पार्शियल फ्रैक्शंस की टाइप से, उसकी डेफिनेशन से मुतालिक। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। व्हाट इज आइडेंटिटी? अगर आइडेंटिटी की बात की जाए तो हम कहते हैं आइडेंटिटी बेसिकली एक ऐसी टाइप ऑफ इक्वेशन है जो कि एक्स की तमाम रियल वैल्यूज के लिए ट्रू होती है, ये तमाम वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ट्रू होती है। अभी मैं सिर्फ रियल की बात इसलिए कर रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो जाए, यानी मैं जैसे एक टाइप ऑफ इक्वेशन लिखता हूं, चले जी a - b टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax - bx। अब ये ऐसी टाइप ऑफ इक्वेशन है जिसमें x की कोई भी वैल्यू रख लें ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर आप x4 रखते हैं, x5 रखते हैं, x - 7 रखते हैं, x2/5 रखते हैं, रैशनल इरेशनल नंबर कोई भी रख लें, ये जो इक्वेशन है ये तमाम x की वैल्यूज के लिए ट्रू है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। इसका मतलब है ये तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है, ये तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है तो ये आइडेंटिटी नहीं हो सकती, पहली ऑप्शन क्रॉस। सेकेंड इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती, बिकॉज फ्रैक्शन में फोर न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या अगर हम इसको लिखना चाहें 4x/1 = 5/1 तो हम लिख सकते हैं, तो इस पे भी हम होल्ड करते हैं। क्या इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास नहीं है? हम चलते हैं इक्वेशन पे, ठीक है, इक्वेशन भी है बिकॉज दिस इज एन इक्वेशन, यानी टाइप्स ऑफ इक्वेशन है, सेंटेंसेज हैं, यानी जिस तरह हमने इक्वेशन की टाइप्स पढ़ते हैं, ट्रू ट्रू इक्वेशन या फॉल्स इक्वेशन या ओपन इक्वेशन, यानी इक्वेशन इज अ सेंटेंस, ठीक है, इक्वेशन एक सेंटेंस है जो कि ट्रू भी होता है, जो फॉल्स भी होता है और ओपन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काइंड ऑफ ओपन सेंटेंस है जिसमें हमें एक्स की वैल्यू जो है वो अननोन है, तो लिहाजा हम इसको ओपन सेंटेंस बोलेंगे। तो इक्वेशन भी सम हाउ बेस्ट मतलब बेहतर ऑप्शन है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, डी, कंडीशनल इक्वेशन। अब कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जो एक्स की किसी एक या एक से ज्यादा वैल्यूज के लिए ट्रू हो, यानी यानी कुछ वैल्यू के लिए, नॉट लाइक नॉट 100 एंड 1000, कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू हो, ठीक है, लेकिन जो है बाकी वैल्यूज के लिए फॉल्स हो। जैसे 4x = 5, ये सिर्फ एक वैल्यू के लिए ट्रू है और वो वैल्यू क्या है, 5/4, यानी अगर x = 5/4 रख दिया जाए तो सिर्फ x = 5/4 के लिए ये इक्वेशन ट्रू है, बाकी तमाम के लिए फॉल्स है। इसका मतलब है इस कंडीशन के ट्रू होने में कंडीशन है, तो एक ऐसी इक्वेशन है जिसको कंडीशनल इक्वेशन कहा जा सकता है। तो देखिए हमारे पास अपेरेंट, यानी अगर हम देखें तो ये भी समहाउ फ्रैक्शन, इक्वेशन एंड कंडीशनल, लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, कंडीशनल इक्वेशन, सो वी शुड गो फॉर कंडीशनल इक्वेशन। तो यहां से ये बात भी क्लियर होगी कि सम टाइम आपको कुछ ऐसी ऑप्शन भी देंगे जो कि स्लाइटली, यानी 70%, यानी अगर उसकी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो हम उन ऑप्शन पे जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास वो बेस्ट ऑप्शन हो तो विल गो फॉर द बेस्ट ऑप्शन। तो ये चीज भी आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है। कुछ मजीद हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो है वो नई लेक्चर के अंदर। हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो जी x - 2 times x + 2 = x²-4 इज एन इक्वेशन, आइडेंटिटी, कंडीशनल और फ्रैक्शन। अब इन चार ऑप्शन में से हमारे पास कौन सी ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट है? तो देखें सबसे पहले इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन तो ये है कि इक्वेशन से इक्वेशन की कोई टाइप भी है ये। आइडेंटिटी हमने बात की थी, आइडेंटिटी कैसी, जो कि हर वैल्यू के लिए ट्रू हो, एक्स की तमाम वैल्यू के लिए।
एक्स यहाँ पे थ्री रखें, फोर रखें, फाइव रखें, सिक्स रखें, जो भी रखेंगे, दिस इक्वेशन विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. यानी एक्स अगर आप वन रखते हैं तो वन माइनस टू माइनस वन, और वन प्लस टू थ्री, तो थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री. तो यहाँ पे अगर आप वन रखेंगे तो वन का स्क्वेयर माइनस फोर माइनस थ्री. टू रखते हैं, टू माइनस टू जीरो, टू प्लस टू फोर, तो जीरो इंटू फोर जीरो. यहाँ पे टू रखेंगे, टू का स्क्वेयर फोर, फोर माइनस फोर जीरो. तो ये हर एक एक्स की वैल्यू के लिए ट्रू है. तो ऐसी इक्वेशन जो कि एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होती है, हमने पहले बात की, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी. तो दिस इज एन आइडेंटिटी. तो आई विल गो फॉर ऑप्शन, इफ दिस इज एन ऑप्शन बी, आई विल गो फॉर द ऑप्शन बी. नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं क्या है हमारे पास. क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, इफ पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, देन वैल्यूज ऑफ पी क्यू ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली. यानी वो ये बात कर रहा है कि अगर ये इक्वेशन जो है वो इस इक्वेशन के बराबर हो जाए, तो आप बताएं कि फिर पी की, क्यू की, ए की एंड बी की क्या वैल्यूज हो सकती हैं. तो हम जानते हैं कि अगर वेरिएबल सेम हो तो दो इक्वेशंस आपस में, यानी वेरिएबल्स की डिग्रीज या उनकी पावर सेम हो, हर जो टर्म है उसकी पावर सेम हो, और जो सात कोफिशेंट हैं वो अगर आपस में बराबर हों रिस्पेक्टिवली, तो तभी जो है वो इक्वेशंस आपस में बराबर हो सकती है. रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पी जो होगा, दिस शुड, जो सबसे पहली वैल्यू लिखी जाएगी वो पी की होगी, फिर क्यू की होगी, एंड सो ऑन. अब पी इज इक्वल टू टू है, तो इसका मतलब है अगर पी, देखें यहाँ पे पी तभी इस एक्स क्यूब के इक्वल हो सकता है अगर पी टू हो, तो इसका मतलब है पी जो है वो टू है. तो ये तो बात कंफर्म होगी, टू ए ऑप्शन में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में नहीं है. डी यहां से एलिमिनेट हो गया, डी तो हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्यू पे. क्यू इज इक्वल टू यहां पे कितना है, माइनस थ्री. कितना है, माइनस थ्री. तो अगर क्यू माइनस थ्री है तो माइनस थ्री, इसका मतलब है ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो दिस इज ऑप्शन सी. देखिए एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड. एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो आगे आपको करने की जरूरत भी नहीं है. अब ऑब्वियसली अगर माइनस ए इज इक्वल टू माइनस फोर हो, तो दैट मीन्स के नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ए इज इक्वल टू फोर, तो ए फोर है विच इज फोर हेयर, ठीक है, और बी इज इक्वल टू प्लस फाइव, तो बी इज इक्वल टू प्लस फाइव है. तो एलिमिनेशन मेथड से मैंने फौरन बता दिया कि सी विल बी द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं क्या है हमारे पास. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है जी, अल्जेब्रिक इक्वेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू वन काइंड, टू काइंड, थ्री काइंड और फोर काइंड्स. तो अल्जेब्रिक इक्वेशंस हम जानते हैं, अल्जेब्रिक इक्वेशंस क्या हो सकती हैं, रैशनल हो सकती हैं और इरैशनल हो सकती हैं. देयर आर टू काइंड, सो आई विल गो फॉर ऑप्शन बी. इसी तरह से नेक्स्ट मैंने एमसीक्यू में लिख रखा है, रैशनल फ्रैक्शंस आर डिवाइडेड इनटू वन टाइप, टू टाइप, थ्री टाइप और फोर टाइप. अब रैशनल जो फ्रैक्शंस होती हैं उनकी टू टाइप्स होती हैं, ठीक है, उनकी टू टाइप्स होती हैं, या ऑप्शन बी जो भी है मैं इसको मार्क कर दूंगा. टू टाइप्स कौन कौन सी है, एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है और एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है. प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन दरअसल ऐसी फ्रैक्शन होगी जिसमें जो न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर है वहां पे जो वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो लेसर होगी, स्मॉलर होगी देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है. जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल की डिग्री है वो ज्यादा होगी और जो न्यूमरेटर में होगी वो कम होगी. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस टू, तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, जबकि एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वेयर, ठीक है, या एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस टू, ये क्या है, ये एक इम्प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में एक्स की डिग्री ज्यादा होगी और डिनोमिनेटर में एक्स की डिग्री कम हो गई. अनदर एमसीक्यू है जी हमारे पास, जो कि रिलेट करता है रेजोल्यूशन ऑफ रैशनल फ्रैक्शंस इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस. यानी ये हमारे पास टाइप वन है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो लीनियर फैक्टर्स हैं, यानी ऐसे फैक्टर हैं जिनमें एक्स की डिग्री वन है, ठीक है, और नॉन रिपीटेड है, यानी जो रिपीटेशन नहीं है. पावर जो है इनकी, होल पावर जो है वो भी वन है. यानी अगर आप देखें तो एक्स प्लस थ्री एक डिफरेंट फैक्टर है और एक्स प्लस फोर एक डिफरेंट फैक्टर है, तो रिपीटेशन फैक्टर्स में नहीं है. ऐसे फैक्टर्स को जब हम रिप्लेस करते हैं तो हम एक सिंगल कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी ए ओवर
वन ए ओवर वन फैक्टर प्लस बी ओवर अनदर फैक्टर, अगर कोई और नॉन रिपीटेड फैक्टर होता, लीनियर होता, तो प्लस सी ओवर अनदर फैक्टर प्लस डी ओवर अनदर फैक्टर लिखते हैं. देन फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. अब वो ये पूछ रहा है कि ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी. अब देखें यहां पे आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, एक लिमिटेड टाइम के अंदर कर रहे हैं, सो ये आपसे मैं स्ट्रांगली मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि प्लीज गो फॉर रिवर्स स्ट्रेटजी, रिवर्स इंजीनियरिंग पे जाएं. वो क्या है कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस, कि आप इसको एक रिग्रेस प्रोसेस से सॉल्व कर रहे हैं और पूरा वो जो पार्शियल फ्रैक्शन के कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं, तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यू गोइंग टू वेस्ट योर टाइम. शॉर्टेस्ट वे, इजिएस्ट वे क्या है कि आप इन वैल्यूज को टेस्ट करें, बिकॉज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हमें ये पता है दिस इज द पेरेंट फ्रैक्शन. ये क्या है? पेरेंट फ्रैक्शन है. और ये क्या है? पार्शियल फ्रैक्शंस हैं दो. अब इन पार्शियल फ्रैक्शंस को अगर ऐड किया जाए तो वापस हमारे पास पेरेंट फ्रैक्शन आएगी, प्रोवाइडेड दैट कि ए और बी की वैल्यू नोन हो. तो वही तो वो हमसे पूछ रहे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए टू रखता हूं और बी भी टू रखता हूं, तो वट विल बी द आंसर. ठीक है, इस केस में मैं इसको यू कर लेता हूं, अगर a भी 2 है, b भी 2 है, मीन के दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है. वैसे अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो यानी जो ये कांस्टेंट होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई होगा. अब चूंकि दोनों के कांस्टेंट 2 हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ x, 2x, और ये 2x, 2x plus 2x, 4x, यहां पे हमारे पास क्या है? 7x. दिस कैन बी द आंसर. क्रॉस एलिमिनेट हो गया. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5. मतलब a अगर यहां पे 1 हो और यहां पे 5 हो, तो 5 टाइम्स ऑफ x, 5x और प्लस 1x, 6x, ये भी नहीं हो सकता. हमारे पास यहाँ पे 7x है. ठीक है, अच्छा ये नेक्स्ट देख लें, 4, 4 इंटू x, 4x, और 3 इंटू x, 4x प्लस 3x, 7x. सो दिस इज द ऑप्शन. और अगर आप इसको देख लें, 1x प्लस 3x, 1x और प्लस 3x, अगर आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 रख के यहाँ पे 3 रख के, तो 1x प्लस 3x, 4x आएगा, ये भी एलिमिनेट. तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, तो आई विल गो फॉर सी. अब देख लें विदाउट सॉल्विंग, मैंने विदाउट सॉल्विंग जिस ब्रेन में कर लिया, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. सर अगर आप इसको खुद करेंगे, सो इट्स नॉट गोना टेक यू लॉट ऑफ टाइम, आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा. ठीक है, सो ऑलवेज गो जहां पे आप रिवर्स इंजीनियरिंग पे जा सकते हैं, वहां पे आप रिवर्स इंजीनियरिंग पे जाएं, तो आप देखिए आप बहुत क्विकली इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यू हमारे पास क्या है. द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इनटू एक्स माइनस 1. अब ये भी हमारे पास अगर देखें तो फैक्टर्स हमारे पास लीनियर हैं, लेकिन दिस इज नॉट ए प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है. चूंकि अगर आप डिनोमिनेटर में एक्स की डिग्री देखें, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वो भी 2 है, न्यूमिनेटर में भी 2 है, तो ये एक इम्प्रॉपर है. अगर ये इम्प्रॉपर है तो इनकी डिग्री, अब देखें न्यूमिनेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री, यानी एक्सपोनेंट की जो एक्स के एक्सपोनेंट न्यूमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में, वो सेम है. इसका मतलब है सबसे पहले हम इसको डिवाइड करके एक पॉलिनोमियल और एक प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे. तो अब यहां पे देखें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम इसको एक पॉलिनोमियल और एक पॉलिनोमियल और एक प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन, यानी ये पेरेंट फ्रैक्शन है. ये क्या है? पेरेंट फ्रैक्शन है. इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो होगी वो एक पॉलिनोमियल एंड देन प्रॉपर फ्रैक्शन होगी. इसका मतलब है हमारे पास बी ऑप्शन नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें इसको डिवाइड नहीं कराया गया. देयर इज नथिंग कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास नहीं है, या पॉलिनोमियल नहीं है, कोई पॉलिनोमियल यहाँ पे मौजूद नहीं है. इसका मतलब है एलिमिनेशन स्ट्रेटजी इज द बेस्ट स्ट्रेटजी. आई ऑलवेज से, हमेशा कहता हूं मैं, कि आप बी को क्रॉस कर दें, डी को पहले ही क्रॉस कर दें, क्योंकि ये दोनों नहीं हो सकती. हमारे पास यहाँ पे कोई भी स्टार्ट में पॉलिनोमियल नहीं है, लिहाजा ए और सी को हम टेस्ट कर लेते हैं. तो अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि प्लीज डोंट गो फॉर दोज, वो मुश्किल से प्रोसेस की तरफ ना जाएं. सिंपल वे क्या है? सिंपल वे ये है कि आप इनको ऐड कर लें एंड यू ट्राई टू रीच दिस थिंग. ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 टाइम, बिकॉज ये जो एलसीएम आएगा हमारे पास क्या होगा? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो विच इज एक्चुअली x स्क्वायर माइनस 1. तो 1 जो होगा वो x स्क्वायर माइनस 1 टाइम होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर माइनस 1 दे देगा, और प्लस x माइनस 1 x प्लस 1 टाइम होगा, तो आ जाएगा x प्लस 1, और ये माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 टाइम होगा, इस माइनस की वजह से माइनस x प्लस 1 हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, ठीक है, और यहां पे प्लस x माइनस x से कैंसिल, x स्क्वायर
और प्लस वन, तो दिस इज द न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन. इसका मतलब है जो हमारे पास जो सबसे पहली है यही ऑप्शन है. सो दिस इज द राइट आंसर. अब देखिए अगर आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने बैठ जाएं और पूरा प्रोसेस लगाएं तो यू गोना टेक लॉट ऑफ टाइम. तो इसलिए मैं आपको अगेन एंड अगेन ये बात कह रहा हूं कि गो फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग. जहां पे रिवर्स इंजीनियरिंग पॉसिबल है वहां पे एमसीक्यू को उसी तरह से सॉल्व करें, बिकॉज हम ई कैट से रिलेटेड प्रिपरेशन करें. ई कैट का एग्जाम हमने अटेम्प्ट करना है. नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है ये रिलेटेड है जी रिपीटेड, यानी लीनियर ही फैक्टर है. अगर आप देखें तो एक्स की पावर यहाँ पे वन है, लीनियर ही फैक्टर है लेकिन ये रिपीटेड है, यानी एक्स माइनस वन टाइम्स एक्स माइनस वन टाइम एक्स माइनस वन. तो एक्स माइनस वन देखे तीन दफा आ रहा है, इसलिए हम बात करेंगे रिपीटेड. ठीक है, लेकिन अगेन दिस इज एन रादर आई वुड से कि ये हमारे पास क्या है, ये एक इम्प्रॉपर जो है वो फ्रैक्शन है, चूंकि यहाँ पे एक्स की डिग्री थ्री है और अगर आप डिनोमिनेटर में भी देखेंगे तो एक्स की डिग्री क्या होगी, थ्री ही होगी. लेकिन चूंकि ये जो है वो हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा सही. सो अगर ये एक्स स्क्वेयर है तो इट मीन्स कि दिस इज नॉट इम्प्रॉपर. अगर ये एक्स स्क्वेयर है तो फिर ये इम्प्रॉपर नहीं है बल्कि क्या हो जाएगी, प्रॉपर, चूंकि न्यूमिनेटर की डिग्री स्मॉलर देन डिनोमिनेटर होगी. अब अगर आप देखें तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन है जिसको जो है वो जनरलाइज पार्शियल फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, तो सबसे पहली ऑप्शन है ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन प्लस सी ओवर एक्स माइनस वन. ये नहीं हो सकती. उसकी रीजन क्या है कि जो रिपीटेड होते हैं उसमें अगर ये एक्स माइनस वन है तो देन दिस शुड बी एक्स माइनस वन का स्क्वेयर एंड देन एक्स माइनस वन का क्यूब, यानी वन टाइम हम पावर इंक्रीज करते जाते हैं. ठीक है, बी ऑप्शन दिस इज फॉर ये लीनियर के लिए है, यानी आपको पता है ए एक्स प्लस बी दो कॉन्स्टेंट, यानी लीनियर जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है वो तब इंट्रोड्यूस कराएंगे न्यूमरेटर में जब हमारे पास क्या होगा, जो 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 हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टर है वो लीनियर ना हो. ठीक है, इस तरह अगर सी को देखें तो ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस वन का होल क्यूब. सो दिस इज द राइट आंसर. यानी जो आपके रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का ये मेथड होता है. यानी अगर आप देखें तो x माइनस वन का होल क्यूब को हमने एक दफा पावर वन में रखा, फिर टू में रखा, फिर थ्री में रखा. फर्ज करें यहाँ पे पावर टेन होती तो हम वन फिर टू फिर थ्री फोर फाइव सिक्स करते करते हम टेन तक लेके जाते. सो दिस इज द राइट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ लीनियर फैक्टर जो कि रिपीटेड होते हैं उनके लिए. और डी ऑप्शन ऑब्वियसली, फिर अगर सी इज द ऑप्शन देन डी कैन नॉट बी द ऑप्शन. डी तो टोटली एक रॉन्ग वे में लिखा हुआ है. तो ये तरीका है जी जिसमें हम जिस तरह से हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से मुतल्लिक या उनकी जो टाइप्स से मुतल्लिक, एंड देन जो केस हमारे पास दो केस थे वन एंड टू पार्शियल फ्रैक्शन से मुतल्लिक. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं वो ये है कि अगर हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन जो है या गिवन जो पेरेंट फ्रैक्शन है दोनों में से अगर रिपीटेड फैक्टर्स के लिए भी गिवन हो तो उसके लिए भी हम रिवर्स इंजीनियरिंग ही इस्तेमाल करेंगे और उस एमसीक्यू को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे.